Hello dear students, welcome back to the JDC Live. So dear students, finally answer key jiska hum sabhi ko intezar tha, GPAT 2023 ki answer key aa chuki hai. But is answer key mein kuch questions mein doubt hai. Jaisa ki aap sabhi ka comment aa raha hai, aap sabhi ne cross check kiya hoga, apne answer key match kiye honge, to aapko kuch answers mein doubt zarur lage honge. Aur agar aapko wo doubt lag raha hai to next question aa raha hoga ki sir hum objection kaise fill kare. इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर डिटेल गाइडलाइंस देने वाला हूं कि आपको अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो उसका आंसर कैसे आप उसके लिए क्लेम करेंगे और वहां पे सारी चीजों के साथ मैं आपसे बात करने जा रहा हूं. तो सबसे पहले आपको यहां पे आना है gpat.nta.nic.in के वेबसाइट पे आना है. यहां पे हमारा आता है दैट इज द GPAT 2023 आंसर की. और जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे यहां पे आपके पास ऑप्शन आएगा यू कैन लॉग इन थ्रू द एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड. अगर आपको पासवर्ड नहीं याद है तो आप यहां पे एप्लीकेशन नंबर विद द डेट ऑफ बर्थ के थ्रू यहां पे आगे बढ़ सकते हैं. जैसे ही आप आगे जाओगे यहां पे आपको सारा डिटेल फिल करना पड़ेगा. नाउ बेसिक डिटेल फिल करने के बाद आपके सामने ये पेज खुल के आ जाएगा. इसमें आप नीचे स्क्रॉल करके जाओगे, यहां पे आप व्यू क्वेश्चन पेपर कर सकते हैं जो आपने अपने क्वेश्चन पेपर और आंसर जरूर मैच किए होंगे. Now, अब आप आते हैं व्यू द चैलेंज की आंसर की बात होती है. जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे क्लिक व्यू टू द एंड चैलेंज आंसर की, ये आपके पास ऑप्शन खुल जाएंगे. अब यहां पे देखिए आपके पास ये जीपैट का फॉर्म दिया गया है, आपको जीपैट पेपर की बात हो रही है, क्वेश्चन नंबर यहां पे दिए गए हैं एज अ आईडी वाइज, यहां पे क्वेश्चन आईडी दी गई है, ये जरूर मैच कर लीजिएगा. तो सबसे पहले आप नोट कर लीजिएगा, जब आप अपना वहां पे क्वेश्चन पेपर चेक करेंगे वहां पे आप अपना आईडी चेक कर लीजिए कि किस क्वेश्चन में आपको डाउट हो रहा है. यहां पे आप क्वेश्चन आईडी और उसका करेक्ट आंसर क्या दिया गया है. सपोज आप यहां पे स्क्रॉल करके आएंगे और आपको जिस भी क्वेश्चन में लगता है आपको एक आईडी आपने यहां पे मैच किया. सपोज अगर मैं आपको यहां पे मान के चलता हूं, एक जस्ट इमेजिन मैं यहां पे लेके चलता हूं 279, या अगर मैं 279 की बात करता हूं, मान लीजिए यहां पे फोर्थ ऑप्शन दिया गया है. अगर आपको लग रहा है कि उसका ऑप्शन वन सही होगा तो आप क्लिक कर दीजिए. जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट लग रहा है आप उसको यहां पे मैच कर लेंगे. नन ऑफ दीज वहां पे आपको क्लिक करना होगा. अगर आपको लग रहा है कि इन चारों में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है तब नन ऑफ दीज पे जाइएगा. बाकी आपको जिस भी क्वेश्चन में लग रहा है, जिस भी क्वेश्चन का आंसर आपको लग रहा है उसको आप यहां पे सिलेक्ट कर दीजिएगा. नाउ ये करने के बाद आप यहां पे सेव योर क्लेम पे जाओगे. ओके करने के बाद आप यहां पे नेक्स्ट पेज आएगा. अब अगले पेज पे जाने के बाद आपको यहां पे फिर से एक बार जरा कंफर्मेशन पे आ जाइएगा. आपने एक क्वेश्चन कौन से क्वेश्चन आईडी और उसका करेक्ट ऑप्शन फोर है और आपने वन दिया है तो ऑब्वियसली अब आपको प्रूफ देना पड़ेगा और प्रूफ के लिए आपको यहां पे एक फाइल अटैच करनी पड़ेगी. वो फाइल स्टैंडर्ड बुक की रखेंगे. आपको जो भी आपकी स्टैंडर्ड बुक है वहां से आप उसको फोटो बना लीजिए, उसका पीडीएफ बना लीजिए, इमेज बना लीजिए और उसको यहां पर आप अपलोड कर दोगे. अपलोड करने के बाद नाउ यहां पे आता है सेव योर क्लेम एंड पे द फी. क्योंकि हर एक क्वेश्चन पे आप जितने भी क्वेश्चन क्लेम करेंगे ना हर क्वेश्चन का 200 रुपीज यहां पे क्लेम करना आपको पे करना होगा. नाउ अगर सपोज मैंने एक क्वेश्चन यहां पे आपको सेलेक्ट किया है, आप यहां पे फाइल अपलोड जरूर करिएगा क्योंकि बिना फाइल अपलोड किए एनटीए आपकी बातों को कंफर्म नहीं करेंगे और ना ही वो आपके आंसर को जस्टिफाई करेंगे. आपको अपलोड कर देना है. अपलोड करने के बाद सेव योर क्लेम एंड पे द फी में आएंगे और ओके कर देंगे. जैसे ही आप इसको करके आगे बढ़ेंगे नाउ यहां पे दो ऑप्शन आ गया. हमने एक क्वेश्चन किया है उसका आईडी क्या है, उसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा और उसका क्लेम्ड क्या है. नाउ यहां पे अगर आपको कोई मॉडिफाई करना है तो आप मॉडिफाई पे जाएंगे, अदरवाइज सेव चैलेंज एंड पे द फी में आपको क्लिक कर देना है और यहां से आपको फी का प्रोसेस आगे कंटिन्यू करना है. अब बात आती है सपोज अगर आपको यहां पे 3-4 क्वेश्चन में डाउट लगता है तो क्या सारे क्वेश्चन के लिए इंडिविजुअल फीस होगा या कॉमन है. नहीं, हर क्वेश्चन ईच क्वेश्चन 200 रुपीज विल बी देयर फॉर द करेक्शन और फॉर द चैलेंज आंसर की. सो इसलिए हर क्वेश्चन जो भी आप करें चैलेंज करें उसको बहुत केयरफुली करें और प्रॉपर जस्टिफिकेशन के साथ करें. और हाँ, कुछ क्वेश्चन जहां पे आपके थ्रू हमें डाउट्स मिले हैं उसका मैं वीडियो बहुत जल्द लेके आ रहा हूं. स्टे कनेक्टेड विद द जीडीसी. और अगर आपको तब तक और भी किसी क्वेश्चन में डाउट लगता है कि सर ये क्वेश्चन भी आपको क्रॉस चेक एक बार कर लेना चाहिए, आप डेफिनेटली वो क्वेश्चन हमें प्रोवाइड करें, हमारी टीम उस पर बहुत जल्द आपको रिस्पॉन्स देगी. सो थैंक यू सो मच, प्लीज फिल दिस प्रोसेस एंड गो विद दस.